सीता देवी पुस्तक ग्रंथ है। दो सौ आठ साथी जनता दलीय कुशदस्ता ग्रहण कर रहे हैं और कितना बढ़िया नाम है। पहला नाम है केशव सिंह। केशव सिंह कौन थे? केशव कौन थे? और जो 208 पर नाम है वो है राम रत्न दास जी। तो केशव से शुरू हो रहा है, राम पर खत्म हो रहा है। 208 साथी हैं। जितने 208 साथी आज हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूं। मंच पर हमारे बैठे हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय संजय सिंह जी हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलियावी जी हैं, हमारे पार्टी के पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय मेवालाल चौधरी जी हैं, पूर्व मंत्री हमारे महेश्वर हजारी जी हैं और हमारे पार्टी के बहुत सारे साथी आज यहाँ मंच पर उपस्थित हैं और मीडिया के हमारे इतने साथी उपस्थित हैं, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि जो 208 लोग जो आज सदस्यता ग्रहण किए हैं उसमें सभी जिस पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं उसमें पदाधिकारी रहे हैं, बहुत बड़ी बात। और मैं देख रहा था कि हाजीपुर लोकसभा जो क्षेत्र है उसके 77 पंचायत अध्यक्ष, तो जो आज हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं उसमें महासचिव भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, महा उपाध्यक्ष भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, पंचायत अध्यक्ष भी हैं, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी हैं। तो जितने लोग आज इस मिलन समारोह के माध्यम से इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं वो सब लोग किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़े जो हम कहते हैं वो लाभकर सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग राजनीतिक हैं, सब लोगों को राजनीतिक अनुभव है। तो निश्चित रूप से साथियों आप लोगों के आने से जनता दल यू की ताकत और बढ़ेगी, हमारी पार्टी और मजबूत होगी। और ये चूंकि आज एक मिलन समारोह है तो मिलन तो हर्ष का ही होता है, सब लोगों में खुशी है और जहाँ से आप लोग आ रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से चूंकि आप पिछड़े हैं तो वहाँ गम हुआ है। और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस उम्मीद से इस पार्टी में आए हैं पार्टी आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी। और इस पार्टी की पहचान क्या, हमारे बगल में उन्होंने कुशवाहा जी बैठे हैं, आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई पैरवी से बने हैं क्या, परिवार की पृष्ठभूमि से बने हैं क्या? पार्टी में आए, पार्टी में काम किया और प्रदेश में संगठन का जो सबसे बड़ा पद है उसको प्राप्त किया। जनता दल यू मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं नोट कर लिए, एकमात्र पार्टी है जहां की वंशवाद और परिवारवाद नहीं। हमारे जितने भी पार्टी में साथी हैं सबके मुखिया हमारे नीतीश बाबू, इस पूरे परिवार के वो मुखिया हैं और हमारी पार्टी के जितने भी साथी हैं उनमें अगर क्षमता है तो प्रदेश में या देश में किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि और जगह क्या होता है, बात करेंगे लोग आरक्षण की लेकिन ऊपर का पद इन समाजवादी पार्टियों क्या हाल है, वह आरक्षित रहता है उनके परिवारवादों के लिए, उनके वंशवादों।
इसलिए साथियों आप सबको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आप आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं जिनके नेता न वंशवाद में विश्वास करते हैं न इसको प्रश्न देते हैं। तो आप में मेधा होगी, आप में संगठन की क्षमता होगी, तो आपको तो फायदा होगा ही, साथ साथ पार्टी को भी फायदा होगा। इसलिए आप सब लोगों को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पार्टी के साथ। और संयोग देखिए, हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं बिहार में, सब लोगों की एक दिली इच्छा है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू कभी जन्मदिन नहीं मनाते हैं, मनाते ही नहीं हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, वो चाहते हैं कि 1 मार्च जो हमारे नेता का जन्मदिन है उसको हम लोग हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक बूथ पर हम लोग मनाएं। तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे नेता का जो जन्मदिन है 1 मार्च, उसको पूरे बिहार में और दूसरे प्रदेशों में भी जहां हमारी पार्टी है, विकास दिवस के रूप में हम लोग उनको मनाएं। हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पर नीतीश बाबू का जन्मदिन मनाएंगे, उनकी दीर्घायु की कामना करेंगे, साथ साथ प्रदेश में उस गांव में जो हमारे नेता के द्वारा काम किया गया है उसको उस दिन बनाएंगे और खुशियां मनाएंगे। तो साथियों आज आप सब लोग यहां आए पार्टी से दस्ता लिए, इसके लिए फिर से बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद।